कार मैं बलबीर कश्यप पीओकम बीआरसी राजौंद डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। एक नई जानकारी, एक नई वीडियो और अपने एडो मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हमें मिलती रहती हैं समय समय पर, और उनकी ही जानकारी आप तक पहुंचाने का एक कार्य मैं करता हूं ताकि आप सब इसके बारे में अवगत हो जाएं। तो जानकारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला के द्वारा जारी यह पत्र डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स राज्य स्टेट हरियाणा के सभी को प्रेषित किया गया है 23 अगस्त 2023 को। नया ही लेटर है, चलिए देखते हैं क्या है इसका एजेंडा या क्या इस लेटर के माध्यम से हमें जानकारी मिलने वाली है। विषय है इसका, सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट्स 2023-24। Kindly refer to the subject cited above. This is to inform you that the Department of Secondary Education has decided to organize state level tournaments as per detail given below. तो इसमें देखते हैं कि सीरियल नंबर है, नेम ऑफ डिसिप्लिन है, यानी डिसिप्लिन का मतलब जो गेम्स हैं, और एज ग्रुप क्या है उनके तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुल टोटल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 32 स्पोर्ट्स यानी गेम इस लिस्ट में शामिल है जो कि स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हुआ। तो सबसे पहले हम ओलंपिक गेम की बात करते हैं, जो ओलंपिक गेम्स जो कि ओलंपिक में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आर्चरी, एज ग्रुप सबका तकरीबन वही है, अंडर 14 है, 17 अंडर 17 है, अंडर 19 है, बॉयज और गर्ल्स के लिए होते हैं। कुछ एक में होगी कुछ बातें तो हम उसमें स्पेशली उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो तकरीबन जो एज ग्रुप है स्कूल एजुकेशन के अंदर वो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 ही तकरीबन रहता है, या प्राइमरी लेवल का जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं वो अंडर 11 कैटेगरी में होते हैं। तो उसकी चर्चा आगे आएगी तो बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्चरी का है, मैंने बताया कि अंडर 14, 17, 19 बॉयज एंड गर्ल। एथलेटिक्स बार बार रिपीट करने की शायद आवश्यकता नहीं है कि अंडर 14, 17, 19 बॉयज एंड गर्ल्स। बैडमिंटन सभी के लिए है, बास्केटबॉल सभी के लिए है बॉयज़ गर्ल्स के लिए, बॉक्सिंग अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए है लेकिन अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स के लिए है। इसमें अंडर 14 के लिए बॉक्सिंग स्टेट लेवल पे नहीं खेली जाती है। साइकिलिंग तीनों कैटेगरी के लिए बॉयज़ गर्ल्स के लिए, फेंसिंग सभी के लिए है, फुटबॉल सभी के लिए है, जिमनास्टिक सभी के लिए है, इसमें बॉयज़ गर्ल्स अंडर 14, 17, 19 सभी शामिल हैं। हैंडबॉल सभी के लिए, हॉकी सभी के लिए, जूडो सभी के लिए, स्विमिंग और वाटर पोलो। जो स्विमिंग है वो अंडर 14, 17, अंडर 19 बॉय एंड गर्ल के लिए है, लेकिन अगर हम वाटर पोलो की बात करते हैं यहाँ पे तो अंडर 19 बॉयज़ ओनली है यहाँ पे। यहाँ पे वाटर पोलो पोलो जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं आयोजित की जाती। शूटिंग सभी के लिए है, बॉयज़ गर्ल्स है। टेबल टेनिस सभी वर्ग के लिए है, सभी उम्र के लिए, अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। थ्रो बॉल सभी के लिए, टेबल टेनिस सभी के लिए, ताइक्वांडो सभी के लिए है, टेनिस सभी के लिए है, वॉलीबॉल सभी के लिए है, वेट लिफ्टिंग भी सभी के लिए है, नहीं सभी के लिए नहीं है ये, अंडर 17 और 19 है बॉयज़ एंड गर्ल। वेट लिफ्टिंग में अंडर 14 को छोड़ दिया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। रेसलिंग F/S एंड रेसलिंग G/R, तो फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन, इसका मतलब यही होता है, रेसलिंग फ्री स्टाइल है और ग्रीको रोमन है। तो अंडर 14, 17, 19 बॉयज एंड गर्ल एंड अंडर 17, 19 बॉयज, इसमें जो रेसलिंग ग्रीको रोमन है वो अंडर 14 में नहीं खेली जाती, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अब ये जो 21 जो स्पोर्ट्स थे या गेम्स थे ये थे ओलंपिक्स गेम्स, और अब आ जाती है बारी नॉन ओलंपिक्स गेम्स की। तो यहाँ पे 22 सीरियल नंबर पे आप देख रहे हैं 20 बाल,
ये सभी कैटेगरी के लिए है, बॉयज़ और गर्ल के लिए है। चेस भी सभी के लिए है। क्रिकेट अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए है। क्रिकेट के अंदर ही एक बदलाव है जो कि अंडर 14 के लिए नहीं है, यह है क्रिकेट केवल अंडर 17 और 19 गर्ल्स के लिए है। इसमें अंडर 14 लड़कियों के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है। इसी तरह से कबड्डी सभी के लिए है, बॉयज़ गर्ल। कराटे भी सभी के लिए है, खो खो भी सभी के लिए है। नेटबॉल भी सभी के लिए है, बॉयज़ गर्ल सभी शामिल है इसमें। स्केटिंग भी सभी है अंडर, हाँ स्केटिंग में एक नई चीज़ ऐड की गई है यहाँ पे, अंडर 11 को भी इसमें शामिल किया गया है। अंडर 11, अंडर 14, 17, 19 बॉय गर्ल। तो इसमें स्केटिंग में जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं यानी कि 5th क्लास तक के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट है सॉफ्ट बॉल, इसमें भी तीनों कैटेगरी हैं, बॉय गर्ल है। योगा में भी तीनों कैटेगरी है, बॉय गर्ल है। और ये कोर्फ बॉल ये इसमें भी तीनों कैटेगरी हैं। तो ये 32 टोटल मिला के गेम्स और स्पोर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें 22 से 32 तक नॉन ओलंपिक है और अप टू 1 से लेके 21 तक ओलंपिक्स गेम्स है। अगली गाइडलाइन है इसकी कि ब्लॉक व जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं, ब्लॉक व जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं को करवाने हेतु तिथियां पहले से ही जारी की जा चुकी हैं और ये तकरीबन पूरे हरियाणा में इस वक्त जो खंड लेवल पे भी है वो करवाई जा रही है। और जैसे ही खंड लेवल की ख़त्म हो जाएंगी प्रतियोगिताएं, तो उसके इमीडिएट बाद जो है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके बाद आ जाता है अंडर 11 प्राइमरी स्कूल प्रतियोगिताएं, इनका शेड्यूल थोड़ा सा अलग होता है। अंडर 11 प्राइमरी स्कूल प्रतियोगिताओं के ब्लॉक व जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार दिनांक 5/11/2023 से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र दिनांक 6/11/2023 से 8/11/2023 तक जिला कुरुक्षेत्र में करवाना सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है। राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताएं 2023-24 का खेल कैलेंडर नियमानुसार है। सीरियल नंबर है, डेट है, वेन्यू है, डिसिप्लिन है, एज ग्रुप है, बॉय एंड गर्ल है। तो अगर हम बात करते हैं सीरियल नंबर ए की, जो 8 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक होने वाले हैं, कुरुक्षेत्रा, जज्जर, हिसार, इन तीन जगह पे हैं ये। और इसमें जो गेम्स रखे गए हैं उनको डिसिप्लिन का नाम दिया गया है यहाँ पे, तो साइकिलिंग है, चेस है, हॉकी है, क्रिकेट है, बेसबॉल, हैंडबॉल और रेसलिंग फ्री स्टाइल। यानी कि अगर हम साइकिलिंग, चेस और हॉकी की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाएंगी। सभी कैटेगरी इसमें अंडर 14, 17, 19 बॉयज एंड गर्ल्स हैं। इसी प्रकार से जज्जर के अंदर क्रिकेट और बेसबॉल, ये केवल अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए क्रिकेट और अंडर 14, 17, 19 के लिए ही बेसबॉल है बॉयज़ के लिए। हिसार के अंदर हैंडबॉल जो है ना अंडर 14, 17, 19 है बॉयज़ के लिए और रेसलिंग जो है ना फ्री स्टाइल वो अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स के लिए है। इसी प्रकार अगर हम सीरियल नंबर दो की बात करते तो 12 सितंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 तक ये डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे। गुरुग्राम, अच्छा कोर्फबॉल भी इसमें पिछले कॉलम के अंदर ही छूट गया था, तो वो अंडर 14, 17, 19 है। इसमें जिक्र नहीं किया गया कि बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए। 12 सितंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 तक गुरुग्राम में, जींद में और अम्बाला में खेल आयोजित किए जाएंगे। गुरुग्राम में शूटिंग और बास्केटबॉल का आयोजन होगा। शूटिंग में तीनों कैटेगरी बॉयज एंड गर्ल है, लेकिन बास्केटबॉल में केवल अंडर 17 बॉयज कैटेगरी को रखा गया है। इसी प्रकार जींद के अंदर जो गेम होंगे वो फेंसिंग, कबड्डी और आर्चरी के होंगे। उसमें भी फेंसिंग के अंदर तीनों कैटेगरी है, कबड्डी में भी तीनों कैटेगरी है और आर्चरी में भी तीनों कैटेगरी है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो फेंसिंग है वो केवल बॉयज़ के लिए है, कबड्डी भी जो है ना वो केवल बॉयज़ के लिए है, आर्चरी जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। इसी प्रकार अम्बाला के अंदर जो फुटबॉल और जिमनास्टिक के का खेलों का आयोजन किया जाएगा, इसमें तीनों कैटेगरी हैं। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं तो तीनों कैटेगरी है, बट गर्ल्स कैटेगरी है यहाँ पे, ओनली बॉयज़ यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार से जिमनास्टिक के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी हैं। अब चलते हैं तीसरे पायदान की तरफ, तो ये है 15 सितंबर से और 17
सितंबर तक पंचकुला कैथल और सोनीपत में, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को कोई ना कोई गेम्स या स्पोर्ट्स बांट दिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि उनका अच्छे से आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। पंचकुला के अंदर क्या है, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है और लॉन टेनिस है। अगर हम एथलेटिक्स की बात करते तो अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए है, देन क्रिकेट जो है ना अंडर 17, 19 और ये गर्ल्स के लिए है केवल। इसी प्रकार लॉन टेनिस है वो अंडर 14, 17, 19 ये बॉयज़ के लिए है। कैथल के अंदर अगर बात करते तो कैथल को जिम्मेवारी मिली है हैंडबॉल, जूडो और खो खो की। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हैंडबॉल है वो अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स के लिए है, जूडो भी जो है ना अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स के लिए, खो खो भी अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए ओनली, यहाँ पे गर्ल्स का नहीं है। आगे चले सोनीपत में, तो सोनीपत के अंदर भी कुछ गेम्स जो हैं वो ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग फ्री स्टाइल और रेसलिंग ग्रीको रोमन है। तो ताइक्वांडो जो है ना अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स के लिए है, बॉक्सिंग अंडर 17, 19 गर्ल्स के लिए है, रेसलिंग फ्री स्टाइल अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए है, और इसी प्रकार रेसलिंग ग्रीको रोमन जो है ना अंडर 17, 19 बॉयज़ के लिए है। फोर्थ पे चलते हैं, तो 19 सितंबर 2023 से 21 सितंबर 2023 तक यमुनानगर, भिवानी और चरखी दादरी को लिया गया है। यमुनानगर के अंदर वेट लिफ्टिंग और कराटे के खेल होंगे, जो कि अंडर 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। वेट लिफ्टिंग में कराटे में तीनों कैटेगरी हैं, अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स है। भिवानी के अंदर बास्केटबॉल का रखा गया है, तो इसमें अंडर 14 और 19 बॉयज़ के लिए रखा गया है। चरखी दादरी में वॉलीबॉल को दिया गया है, तो अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स इसमें शामिल है। इसी प्रकार देखते हैं कि 12 अक्टूबर से लेके और 14 अक्टूबर तक, यानी कि रोहतक के अंदर कबड्डी, सॉफ्टबॉल और स्केटिंग का आयोजन होगा। पलवल के अंदर योगासना और टेबल टेनिस का होगा। करनाल के अंदर एथलेटिक और बास्केटबॉल का होगा। तो रोहतक के अंदर कबड्डी है वो तीनों कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए है, सॉफ्टबॉल भी तीनों कैटेगरी गर्ल्स के लिए है, स्केटिंग तीनों कैटेगरी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। पलवल में योगासन और टेबल टेनिस में तीनों कैटेगरियाँ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। करनाल में भी तीनों कैटेगरी के लिए एथलेटिक्स और बास्केटबॉल है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए ओनली, बॉयज का यहाँ पे नाम नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 17 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक रेवाड़ी और सिरसा और फतेहाबाद। तो रेवाड़ी के अंदर ताइक्वांडो जो है वो अंडर 14, 17, 19 है, वो बॉयज़ के लिए है। नेटबॉल अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। इसी प्रकार स्विमिंग जो है ना अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है सिरसा के अंदर, और वाटर पोलो है अंडर 19 बॉयज़ के लिए। इसी प्रकार सिरसा के अंदर ही जूडो है अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ के लिए है ये भी। और फतेहाबाद के अंदर जो है ना थ्रो बॉल तीनों कैटेगरी बॉयज एंड गर्ल, खो खो तीनों कैटेगरी गर्ल्स के लिए ओनली, और सॉफ्ट बॉल तीनों कैटेगरी यानी अंडर 17, 14 और 19 बॉयज़ के लिए। इस प्रकार 26 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक पानीपत और फरीदाबाद को रखा गया है। तो पानीपत में कौन से गेम होंगे, बेसबॉल तीनों कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए होगा, फुटबॉल तीनों कैटेगरी के लिए बॉयज़ के लिए होगा, और फरीदाबाद में बैडमिंटन जो है वो तीनों कैटेगरी का मतलब अंडर 14, 17, 19 और बॉयज़ एंड गर्ल्स है। बॉक्सिंग सभी कैटेगरी के लिए बॉयज़ के लिए है केवल ये, और लॉन टेनिस जो है तीनों कैटेगरी के लिए ये भी गर्ल्स के लिए है, और फेंसिंग जो है वो अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स के लिए है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था कम से 8 सितंबर 2023 से लेके और लास्ट डेट जो है इसकी कंप्लीशन की है 28-10-2023 तक, ये सारे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होने संभावित हुए हैं। जिस तरह से स्टेट लेवल का ये कैलेंडर, स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, अतः उपरोक्त सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं उक्त तिथियों के तहत संपूर्ण करवा ली जाएं तथा इन तिथियों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह तिथियाँ SGFI द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की तिथियों तथा ऑफिशियल्स की ड्यूटियों को ध्यान में रखकर निश्चित की गई हैं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट पर ही राष्ट्रीय स्तरीय टीम का चयन करके चयनित खिलाड़ियों की सूची, उनकी सभी संबंधित डिटेल सहित निदेशालय को शीघ्र प्रेषित की जाए। प्रतियोगिता से संबंधित गाइडलाइन निम्नानुसार हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट एट पर द फॉलोइंग टेबल्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अफोर मैंसन टूर्नामेंट्स। सीरियल नंबर, एज कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ।
यानी अगर हम सीरियल नंबर ए की बात करते हैं, जो कि कैटेगरी रखी गई है अंडर 14 ईयर्स, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है या तो बोर्न ओन है या उसके आफ्टर है, यानी या तो उससे पहले का जन्म हो बच्चे का या फिर उसके बाद का हो। बोर्न ओन का मतलब उस डेट में जो डेट रखी गई है। तो सबसे पहले जो अंडर 14 है वो 1/1/2010 जो उसकी क्लास है वो कक्षा छठी एंड अबो होनी चाहिए। अंडर 17 कैटेगरी के लिए 1/1/2007 बोर्न ओन और आफ्टर, और इसमें भी कक्षा छठी से वो ऊपर की क्लास में पढ़ता होना चाहिए बच्चा। इसी प्रकार अंडर 19 ईयर्स है जो, वो उसकी जो डेट है वो 1/1/2005 से ले रखी गई है, और कक्षा 6 से और उसके ऊपर की कक्षाओं में वो बच्चा पढ़ रहा हो। एलिजिबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, ओनली बोनाफाइड स्टूडेंट हु आर ऑन रोल ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आरोही स्कूल विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट इन देयर स्कूल टीम। ए प्लेयर कैन टेक पार्ट इन टू माइनर एंड वन मेजर गेम, वेयर एज इन एथलेटिक एंड स्विमिंग इवेंट्स प्लेयर कैन टेक पार्ट इन थ्री इवेंट एंड टू रिले रेसिज इन ईच गेम। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक प्लेयर जो है वो कितने दो माइनर गेम में और एक मेजर गेम में भाग ले सकता है। वेयर एज इन एथलेटिक और स्विमिंग में इवेंट में एक प्लेयर तीन जगह पे वो तीन इवेंट में भाग ले सकता है, और दो रिले रेस में भी वो इन ईच गेम, टू रिले रेस इन ईच गेम में वो भाग ले सकता है। ये सारी जानकारियों को हमें पता होना चाहिए जब हम अपने टीम तैयार करते हैं, आगे लेके जाते हैं बच्चों को, ताकि वो किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े हमें वहाँ जाके। ईच प्लेयर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ओनली वन एज ग्रुप ड्यूरिंग वन कैलेंडर ईयर। ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक बच्चा या एक प्लेयर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ओनली वन एज ग्रुप ड्यूरिंग वन कैलेंडर ईयर, यानी कि एक साल का जो कैलेंडर तय किया गया उसके अंदर केवल एक एज ग्रुप में ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, बायोडाटा ऑफ ईच प्लेयर इन द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू अंडर 14, 19, 19, 17, 19 ईयर एज ग्रुप टूर्नामेंट्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द स्कूल ओब्लिक इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आ जाता है, मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द टीम मैनेजर कोच वन डे बिफोर द डेट ऑफ टूर्नामेंट फॉर स्क्रीनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। थ्री कॉपीज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड काउंटर साइंड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज हैव टू बी सबमिटेड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इसका, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड अलोंग विद द एलिजिबिलिटी फॉर्म। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट अटेस्टेड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई म्यूनिसिपलिटी, लोकल सिविक अथॉरिटी, स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट के लिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशूड बाई द प्रीवियस स्कूल दैट वॉज सबमिटेड बाई द प्लेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द करंट स्कूल। थर्ड पॉइंट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ 8th, 10th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, CBSE एज द केस में भी। फिफ्थ फोर्थ, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द लास्ट ईयर एग्जाम। छठा पॉइंट है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन केस इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाई द स्कूल इन द एंट्री फॉर्म बायोडाटा ऑफ एनी प्लेयर इज फाउंड इनकोरेक्ट इनकम्प्लीट, द प्लेयर कंसर्न और इवन द टीम विल बी डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट। ये कुछ सख्त इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी उस बायोडाटा में एंट्री फॉर्म में नहीं देनी चाहिए। इफ़ ए स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्कूल टूर्नामेंट इज फाउंड हैविंग एनरोल्ड इन एनी अदर स्कूल ऑल्सो, द स्कूल टीम विल बी डिसक्वालिफाइड इमिडिएटली फॉर द 2 ईयर्स। द एक्सपेंडिचर TADA एंड किट इनकर्ड ऑन सच टीम शैल बी इम्पोज रीइम्बर्स बाई द हेड ऑफ द कंसर्न स्कूल इंस्टीट्यूशन। द कंसर्न ऑफिशियल्स शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ध्यान रखें इस चीज़ का, बहुत मेन जो की पॉइंट है ये, दो तीन जो अभी पीछे चर्चा हुई है। इफ़ ए प्लेयर इज फाउंड गिल्टी ऑफ इम्परसनेशन और वायलेशन ऑफ रूल्स, स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्लेयर, द टीचर इन चार्ज एंड द हेड ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो।
ए प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन मोर देन वन गेम विल बी प्रोवाइडेड द स्पोर्ट्स किट ओनली वंस इन द करंट सेशन। दसवां पॉइंट है, ऑल द जोनल सेक्रेटरीज विल एंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिकोगनाइज एडिड सीबीएसई आरओ स्कूल्स हैव डिपॉजिट देयर स्पोर्ट्स फंड विद द डीओ ऑफिस एज पर नॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। All teams are expected to report to the venue of the tournament by 3 p.m. positively one day before the start of the tournament for screening and the verification of documents of the teams. Teams reporting on the day of the competition will not be allowed to participate in the tournament. Screening of the players and documents verification of the teams players will be done by the match referees, umpires and other technical experts of the concerned games or league event. In state level tournament, all team must bring flags of their district of the size 4x6 for march past and oath ceremony. Fixtures for the tournament will be drawn in front of the coaches and the team managers one day before the start of the tournament in the evening. It is mandatory for the team managers, coaches to ensure their presence. The rules of the School Game Federation of India, SGFI, shall be applicable in this tournament. The tournaments will be conducted on knockout basis. To participate in the state-level school games, every player team must be provided with sports kit by the concerned district. There will be no competition in block district-level tournament if there are less than four team games and four player in case of individual discipline of different school in each games event. Selection can be made on trial basis is mandatory. For state level tournaments to be conducted, a minimum number of 8 team for team games and 5 players in case of individual discipline are mandatory for each event oblique game. Only those schools can be participated in the tournaments who are having recognition certificate from Government of Haryana. One player from each school will be allowed to participate in each weight category of weightlifting, wrestling, judo, boxing and other individual games in block district level tournament. However, in the discipline of the swimming and athletic, two players for each school district will be allowed to participate in each event. For state level tournament, one player from each district will be allowed for game as mentioned above. However, this rule shall not apply to swimming and athletics, where two participants from each district per event will be allowed. The event and weight category must be mentioned in front of each participant in the eligibility form. Weight category of the weightlifting, wrestling, judo, boxing and other individual game must be fixed as per SGFI's previous year's guideline. For date of birth, the admission and withdrawal list will be considered to settle an objection raised by the other team. The team under objection will produce the relevant record within 2 hours before the jury for the settlement of the issue. The decision action of jury shall be final and binding. The concerned district education officer shall ensure the availability of first aid kit, drinking water, medical facility, discipline, proper marking of the grounds etc. at the venue of the match. All the officials who are on duty during the tournament must be in proper sports dress. तो ये जो लेटर है ये यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर फॉर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है. आशा करता हूँ कि ये पूरी जानकारी बारीकी से जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट होने जाने हैं आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट मंथ से, तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप तक पहुँचेगी, आपको अच्छी लगेगी. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें. और बेस्ट ऑफ लक सभी टीमों को जो ब्लॉक लेवल पे अच्छा कर रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा करेंगी. और वो बच्चे प्राउड फील करेंगे जो कि स्टेट लेवल पे जाएंगे, वो स्कूल प्राउड फील करेंगे, वो खंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सभी फील प्राउड करेंगे जिनके बच्चे या जिन स्कूलों के बच्चे स्टेट लेवल टूर्नामेंट में आगे चलकर हिस्सा लेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच.